देखिए नेक्स्ट हम इसकी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन की टोटल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, उसको P1, P2, P3 इस नेमिंग से मैं उसको लिखूंगा, और उसको हम फर्दर आगे आने वाले क्वेश्चंस में उसी फॉर्म में हम याद रखेंगे। जैसे P4 एक फेमस प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो उसको हम P4 से ही आगे हमारे अपने नोटेशन के लिए भी उसको बना लेंगे। ठीक है, सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है P1, सो दैट प्रॉपर्टीज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू ए टू बी एफ टी डी टी एफ टी डी टी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल्स चारों एक ही हैं। ए ये भी एक्स की वैल्यू है, दिस इज द ऑल वेरिएबल्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स। यहाँ पे ऑल फोर एलिमेंट्स आर इन टर्म्स ऑफ एक्स, इन टर्म्स ऑफ एक्स मतलब ये एक्स इक्वल्स टू ए की वैल्यू है, लोअर लिमिट जिसे बोलते हैं एक्स इक्वल्स टू ए है, एक्स इक्वल्स टू बी है अपर लिमिट है, y इक्वल्स टू एफ एक्स है इन टर्म्स ऑफ एक्स है, और जो डी एक्स है दो दिस इज द वेरिएबल बाय विच वी है विथ विच वी हैव टू इंटीग्रेट, दिस इज द डिफरेंशियल वैल्यू जिसके रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट किया गया है। तो ये चारों वेरिएबल्स एक ही होते हैं, चारों वेरिएबल एक आप रख लीजिए, उसको चाहे आप टी से चेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे जब वैल्यू चेंज आएगी तो ये टी की वैल्यू होगी, दिस इज टी इक्वल्स टू ए, यहाँ पे वेरिएबल चला रहा है टी, तो आपका सारी चीजें टी की होंगी, टी इक्वल्स टू ए टी इक्वल्स टू बी एंड वाई इक्वल्स टू एफ टी, ये भी टी के टर्म्स में होगा, और डी टी ऑल फोर एलिमेंट्स आर इन टर्म्स ऑफ टी, राइट। सो व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज, ये ऐसा बोलता है कि इसमें वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होती, बिकॉज इट्स अ एरिया, इट्स अ एरिया, सो इट इज अ एरिया बाउंडेड बाय दीज फोर एलिमेंट्स, तो बाय चेंजिंग वेरिएबल वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल डज नॉट चेंजेस, ठीक है, वो उसमें कोई फर्क नहीं आता है, वो सेम लिखेंगे आप। फाइव एक्स को सपोज वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो डेफिनेटली फाइव एक्स प्लस टी सी लिखेंगे, और इसमें वैल्यू लगाएंगे लिमिट ए टू बी, तो वैल्यू बनेगी इसकी फाइव बी प्लस सी माइनस दिस इज द फाइव ए प्लस सी, तो अल्टीमेटली वैल्यू तो आपको फाइव बी माइनस फाइव ए ही लिखना है यहाँ पे भी। और अगर मान लीजिए इस केस में इंटीग्रेशन आ जाता है, इस केस में हम इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यू को सपोज निकाल लेते हैं, फाइव टी निकाल देते हैं सेम, तो कोई चेंज है नहीं, वेरिएबल चेंज किया है, तो उसमें लिमिट आपको फिर लगानी पड़ेगी, इसमें टी का वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा, और दैट दिस विल बी फाइव बी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माइनस दिस इज द फाइव ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस विल बी अगेन फाइव बी माइनस फाइव ए, तो दोनों तो सेम आ गए, ये दोनों सेम होते भी हैं, मतलब बाय सिंपल प्रॉपर्टी है, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है, बाय चेंजिंग द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल डज नॉट चेंजेस। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम प्रॉपर्टी टू, सो देखिए प्रॉपर्टी टू क्या बोलता है कि इट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स दिस इज बी टू ए एफ एक्स डी एक्स बाय चेंजिंग द लिमिट्स बाय इंटरचेंजिंग द लिमिट्स, अगर ए से बी तक वैल्यू है उसको आपने इंटरचेंज किया देन माइनस साइन अपियर्स आउटसाइड, तो वो तो डेफिनेटली अपियर हो गई, क्योंकि
क्योंकि इसको आपने लिखा था फाइव बी माइनस फाइव ए, और जब इसमें लिमिट लगाएंगे तो माइनस बाहर रहेगा और आप लिखेंगे फाइव ए माइनस फाइव बी, तो वो अल्टीमेटली माइनस मल्टीप्लाई होके अंदर वापस सेम वैल्यू दे देगा. तो दिस वैल्यू कैन बी रिटन इक्वल्स टू दिस वैल्यू. इट इज क्लियरली अंडरस्टूड कि हम इसको उसके बराबर लिख सकते हैं और एक माइनस साइन प्रोड्यूस करेंगे इफ यू इंटरचेंज द लिमिट्स. लोअर लिमिट की जगह अपर लिमिट, अपर लिमिट की जगह लोअर लिमिट अगर इंट्रोड्यूस होती है तो उसमें साइन चेंज हो जाएगा. इसके बाद में देखिए प्रॉपर्टी थ्री है. प्रॉपर्टी थ्री ये बोलता है ए से बी तक एफ एक्स डी एक्स अगर डेफिनेट इंटीग्रल है दैट कैन बी रिटन एज ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस दिस इज सी टू बी एफ एक्स डी एक्स. इफ सी इज सच दैट इट इज लाइंग बिटवीन ए टू बी एंड उसको दो पार्टीशन किए जा सकते हैं. वो इसका यूटिलिटी कब है, जब कोई कर्व डिफरेंटली डिफाइंड हो रहा हो. सपोज आपको इंटीग्रेट करना है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि इसको इंटीग्रेट करना है एंड दिस इज फ्रॉम एक्स इक्वल्स टू ए टू एक्स इक्वल्स टू बी, लेकिन बीच में एक पॉइंट सी आता है, यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू सी पॉइंट है इस पॉइंट पे, राइट. हियर द कर्व इज डिफाइंड डिफरेंटली, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है और यहाँ ये निगेटिव वैल्यू दे रहा है, और ये सेम कर्व के अंडर नहीं है, इट इज बिलो द एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट पार्ट इज अबव द एक्स एक्सिस. तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इट इज बिटवीन एक्स इक्वल्स टू ए टू बी, यू हैव टू डिफाइन इट इन टू टू पार्ट्स, उसको दो पार्ट्स में डिफाइन करना पड़ेगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी व्हेन इट इज यूज, कब यूज करेंगे, जबकि कर्व सपोज एक सी पॉइंट ऐसा हो, इट इज डिफाइंड डिफरेंटली इन टू द टू बिटवीन द टू इंटरवल्स, दो इंटरवल के बीच में डिफरेंटली डिफाइंड करता हो, ठीक है ना. इसको हम जनरल में ऐसा भी लिखते हैं, इन जनरल वो ऐसा हो जाएगा, सपोज ए टू बी है एफ एक्स डी एक्स है, सो इट कैन बी रिटन एज ए टू सी वन एफ एक्स डी एक्स प्लस सी वन से सी टू तक एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू टू सी थ्री एफ एक्स डी एक्स प्लस, तो इस तरह से कंटिन्यूसली चलेगा. सपोज सी एन सी एन टू बी आ जाएगा फाइनली एफ एक्स डी एक्स. सो दिस इज यू कैन divide into different parts when the curve defined differently between the two intervals. दो intervals के बीच में in between the total interval अगर in between वो parts आ जाते हैं जहाँ की curve अलग अलग define कर रहा है, तो उसको आप curve को partition करके अलग अलग कर लीजिए और उसको फिर integrate करना होता है. देखिए इसमें ऐसा होगा, इसमें condition यही बनेगी where the C1 is less than C2 is less than C3 is less than C4 less than like Cn is less than B or A. So overall A और B के बीच में है. ये बहुत generalized form है. Normally curve जो होता है वो दो या तीन parts में divide करना होता है, या एक ही part में divide होता है, दो single definite integrals दो partition हो जाते हैं and then we have to find out the value. ये मतलब इस तरह की चीज तब होती है मोस्टली व्हेन द मॉडुलस साइन इज देयर. मॉडुलस साइन होता है और मॉडुलस साइन में जो फंक्शन गिवन होता है एंड इट इज गिवन बिटवीन द टू डिफरेंट लिमिट्स एंड यू हैव टू डिफाइन डिफरेंटली, ठीक है, तो उसको वर्कआउट करते हैं. यहीं पे मैं इसका हैंड टू हैंड यही एक एग्जाम्पल लेता हूँ तो आपको बात समझ आएगी. ये मैं वापस लिखता हूँ, दिस इज द प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट डेफिनेट इंटीग्रल्स, राइट. देखिए ये एग्जांपल हम एक लेते हैं, उसमें पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी थ्री को हम क्लियरली समझ पाएंगे क्या बोलता है. सपोज यू हैव टू इवेल्युएट दिस, इवेल्युएट जीरो टू वन, दिस इज फाइव एक्स माइनस थ्री एंड डी एक्स
और इसकी वैल्यू निकालनी है, एंड इट इज बिटवीन 0 to 1। लोअर लिमिट आपको 0 दिया है, अपर लिमिट ये है, एंड द मॉड फंक्शन इज गिवन। तो इसको हम पहले डिफाइन करेंगे। इस फंक्शन को हम जानते हैं कि 5x-3 है, सो दिस कैन बी द 5x-3 इक्वल टू 0 प्लेस करेंगे, x इक्वल टू 3/5 होगा। तो कंडीशन ये है कि व्हेन x इज लेस देन 3/5, तो पहले x ग्रेटर देन लिख लीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। 3/5 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव ओपनिंग देगा और इसमें मॉड आएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट। और इफ एक्स इज लेस देन 3/5 देन इट विल गिव द नेगेटिव वैल्यू, तो ये नेगेटिव वैल्यू बनेगी इसकी 5x-3। इस तरह से ये नेगेटिव वैल्यू बनेगी। अब इस वैल्यू को हम जजमेंट लें, ये वैल्यू एक्चुअल में है क्या, ये 6/10, इट इज 3/5, 6/10 है, ये 0.6 है अराउंड। और जो डिस्कशन ये चाहता है वो 0 to 1 के बीच में चाहता है, तो 0 to 1 के बीच में आप देखिए, 0 to 1 के बीच में ये 0.6 है, तो डेफिनेटली 0.6 यहीं पे होगा और ये वैल्यू होती है 3/5। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना था 0 to 1 के बीच में, और जो फंक्शन गिवन था ये मॉड में, इस मॉड फंक्शन के लिए हमने देखा कि 3/5 से छोटा होने पर ये फंक्शन जो है नेगेटिव ओपनिंग देगा, सो ये मॉड नेगेटिव खुलेगा, और 3/5 से बड़ा होने पे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा और इधर ये नेगेटिव ओपन होगा। सो हम 0 to 3/5 के बीच में अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, और 3/5 से 1 के बीच में उसको सेकेंड पार्ट में अलग उसको इंटीग्रेट करेंगे। बट वी विल टेक हियर, दिस विल टेक द नेगेटिव वैल्यू, ये वाली वैल्यू लेंगे, और 3/5 से बड़े में इसकी पॉजिटिव वैल्यू को यूज करेंगे, क्योंकि ये मॉड फंक्शन पॉजिटिव ओपन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को देखिए आप इस तरह से लिखेंगे, 0 to 3/5 तक, और ये पर्टिकुलर वैल्यू नेगेटिव ओपन हुई है, सो दिस इज माइनस ऑफ 5x-3 dx प्लस, एंड 3/5 से 1 तक जो वो चाहता है, 3/5 से 1 तक, और इसमें ये पॉजिटिव ओपन होगा, दिस विल बी द 5x-3 dx, और इसको इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई कर देंगे, सो दैट वैल्यू गिव्स द 3/5-5x+3। एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ, चलिए मैं इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू भी लिख दें साथ ही साथ, सो दिस इज -5x² / 2, और ये प्लस 3 है तो +3x देगा, और इसमें पूरे पे लिमिट लगा देंगे 0 to 3/5, एंड प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x² / 2 -3x, एंड यू हैव टू प्लेस द लिमिट 3/5 to 1, एंड जस्ट पुट द वैल्यूज। तो ये जो सही वैल्यू प्लेस करेंगे, पहले अपर लिमिट इसमें प्लेस होगी, सो -5 × 5/2 ×, एंड दिस इज 9/25 प्लस 3 × 3/5, 0 रखने पे 0 आएगा, और इसमें वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू दिस इज 5/2 - 3 बाय पुटिंग द 1, -5/2 × x² 9/25, 9/25, एंड -3 × 3/5, इसको आप सिंप्लीफाई पूरा कर देंगे, सो जो भी वैल्यू बनेगी आ जाएगी इसकी, -5 देगा, -9/5, ये कट हो जाएगा, 5 यहाँ पे आएगा, 5 × 2 = 10, माइनस प्लस 9/5 प्लस 5/2 - 3, एंड माइनस दिस इज अगेन 5, सो 5 × 2 = 10, 9/10, -9/10 सेम होगा, एंड माइनस माइनस प्लस दिस इज 9/5। अभी आप देख लीजिए कौन सी वैल्यूज हैं, उनको सिंप्लीफाई कर देते हैं, मतलब 9/5, 9/5, 9 × 18/5, दिस इज 18/5 इज क्लियर, राइट। दिस इज 5/2 एंड -3, -1/2 देने वाला है, और ये भी क्लियर हो गया, एंड दिस इज -18/10, दिस इज -18/10, इनको आप सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस इज 13/10,
एंड स्क्वायर यूनिट्स, राइट। इसको इस वैल्यू को इतना लिख देंगे, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल टू 13/10 स्क्वायर यूनिट्स। सिंपल, व्हेन द टू कर्व्स दिस इज डिफाइंड डिफरेंटली, दिस इज डिफाइंड डिफरेंटली, तो आपको सीधी बात है कि उसको दो अलग पार्टीशन करके अलग अलग इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि 0 से 3/5 के बीच में ये मॉडुलस नेगेटिव खुलता है और 3/5 से 1 के बीच में ये पॉजिटिव खुलता है। इसके बाद में एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी 3 पे, फिर हम नेक्स्ट आगे प्रोसीड करेंगे।